दोस्तों का मेरा राम राम। दोस्तों आज की ब्लॉग वीडियो में आपको अयोध्या धाम से जो खासकर जो लेटेस्ट से नए अपडेट आते रहते हैं, मैं आपको वही अपडेट निरंतर आपको इस वीडियो के माध्यम से यानी कि आपको हमारे चैनल पर पाते रहते हैं दोस्तों। तो आज की ब्लॉग वीडियो में अयोध्या धाम में क्या लेटेस्ट भक्ति पथ पे जो यानी कि ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये टीन शेड छाने के लिए एक डिवाइडर लगाया जा रहा है दोस्तों। आज की हम ब्लॉग्स वीडियो में वही भक्ति पथ पर क्या लेटेस्ट और भी अपडेट हैं। तो दोस्तों आज दीपावली के यानी कि आज दीपावली आज सोमवार है, रविवार को दीपावली थी दोस्तों। तो आज यानी कि आज पर्व है, तब भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम ऐसे दूर दराज से भक्त यानी कि भक्तों की लाइन लगी है प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के लिए। पूरे कतारबद्ध से ये जा रहे हैं, ये राम जन्मभूमि पथ से सीधा राम मंदिर को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। क्या जन्मभूमि पर क्या लेटेस्ट नए अपडेट हैं दोस्तों, चलो हम आपको दिखाते हैं। तो ये एक ये टीम सेट के लिए यात्री का जो तमाम ऐसे दूर दराज से पर्यटक लोग आते हैं उनके लिए बनाया जा रहा है बैठने के लिए, और ये निरंतर ये डेवलपमेंट का कार्य ये हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज यानी कि परवा है, दीपावली के एक दिन बाद परवा है, सारा यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होते हैं चाहे जो भी कार्य होते हैं बंद रहते हैं, सारी दुकानें बंद रहती हैं। तो दोस्तों लेकिन आज दीपावली के एक दिन बाद परवा है, तो लेकिन राम मंदिर आज भी खुला है, ये आप देख सकते हैं। पूरे भक्त लोग क्रमबद्ध से जा रहे हैं और यानी कि भीड़ भी काफ़ी है दोस्तों, यानी कि दीपावली के बाद ही यानी कि उत्साह उतना ही है जितना कि दीप उत्सव देखने के लिए भक्तों का उत्साह था। तो ये दोस्तों मैं चर्चा कर रहा था तमाम ऐसे जो भक्त दूर दराज से आ रहे तो उनके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो ये यानी कि भक्ति पथ पे ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये जो नया ये बनाया जा रहा है दोस्तों, इसमें क्या होगा। तो इससे रिलेटिव मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप गर्मियों के मौसम पे आएंगे तो यहाँ पर आपके ना इस साइड में ना इस साइड में कहीं भी आपको छांव नहीं मिलती थी। तो काफ़ी जो भक्त लोग आते थे तो उनको प्रॉब्लम होती थी कि इनकी धूप लगती थी, तमाम ऐसे जो बुज़ुर्ग भक्त लोग आते थे तो उनको यानी कि धूप लगने के कारण मूर्छा लगने के कारण बेहोश भी हो जाते थे। लेकिन अब उनके लिए छांव यहाँ पर इस पर टेंट सेट बनाया जाएगा, उन बैठने के लिए साइड साइड में लोगों को यानी कि जो तमाम ऐसे राम भक्त हैं आएंगे बैठने के लिए साइड साइड वहाँ पर चेयर की व्यवस्था की जाएगी। और ये टीन सेट इसमें टीन सेट लगाए जाएंगे और इसमें आप देख सकते हैं इसमें टीन सेट का लगाने का कार्य जो यानी कि जोरों शोरों पर है, आज इसका कार्य रुका हुआ है दोस्तों, इसमें ये टीन सेट लगाने का कार्य होगा। तो दोस्तों ये हम देख सकते हैं ये काफ़ी मजबूती से बन रहा है ये पूरा ए टू जेड, और ये जो मैं एक चर्चा करता था इस पर टीन सेट लगेंगे ताकि यात्री लोग बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि जो भी राम भक्त आ रहे हैं उनके लिए इस साइड यहाँ पर चेयर लगाया जाए, उस साइड इस साइड, और उसके बाद और ये आपको ये सामने आपको देख रहे हैं निःशुल्क आपको यहाँ पर जल की व्यवस्था की गई, जल भी आप राम भक्त पी सकते हैं। और ये भक्ति पथ का ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, ये यानी कि दीप उत्सव के दिन ये सजाया गया था, काफ़ी अच्छा सजाया गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं भी इस चैनल पर आप वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इस चैनल पर आप आ जाएंगे वो भी वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। और भी क्या अपडेट है नया वो सामने आप दोस्तों, जो ये यानी कि ये टीन सेट ये आप ये जो चद्दर के लिए निर्माण हो रहा है जो प्रयोग हो रहे हैं खम्भे, यही खम्भे लग रहे हैं इसमें, तो यही निर्माण कार्य में ही खम्भे लग रहे हैं दोस्तों। आप वो सामने आप दीवालों पर देख सकते हैं, दीवालों पर इसी प्रकार की आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। ये अब स्टेप बाय स्टेप पूरा यानी कि आपको यानी कि काफ़ी डिजाइन ये पूरा आप जो दीवालों पर ये पूरी राम पथ के जो भक्ति पथ कहा जाता है दीवालों पर आपको इस तरह से आपको पूरी डिजाइन इस दीवार पर जो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी डिजाइन बना दी गई है। और ये डिजाइन अब पूरी दीवारों पर आप इस तरह ये भक्ति पथ पर पूरी दीवारों पर इस तरह से पूरी डिजाइन आप पाएंगे, आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जो सूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देना, और जो हमारे भक्त लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ताकि अयोध्या से रिलेटेड तमाम ऐसी धार्मिक वीडियो आपको मिलती रहे।